हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है केवीएस पीआरटी 2022 के लिए एक बैच स्टार्ट कर चुके हैं और बिल्कुल फ्री। अब फ्री को कम मत समझ लेना, ये किसी भी पेड कोर्स वाले से कम नहीं होगा, ये मेरी ओपन चैलेंज गारंटी है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? किसी भी पेड कोर्स वाले से कम कंटेंट और कम नॉलेज नहीं दूंगा, ठीक है ना? फ्री, और क्यों फ्री है ये सब आपको पता है, ठीक है? चलो, तो हमने देखा कि केवीएस पीआरटी के लिए आपको एनसीईआरटी करनी पड़ती है, किसकी? मैथ की भी और साइंस की भी। और आपको एक काला सच बता दूं, लेकिन आप समझोगे नहीं, एक काला सच बता देता हूं और आप समझोगे नहीं, कि मेरे बताने से पहले आधों ने तो ये बताया नहीं था कि कौन से चैप्टर करने हैं, क्योंकि अगर ये बात क्लियरली मेंशन हो जाती कि कौन से चैप्टर करने हैं तो आधे तो पेड कोर्स करे ही ना, ठीक है ना? चलो छोड़ो। तो साइंस में आपके पास क्लास 9th में, देखो साइंस के 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आपके पास एक चैप्टर है मोशन, एक है ये फोर्स लॉज ऑफ मोशन और एक है वर्क एनर्जी। ये 3 चैप्टर आपके कोर्स में है। हालांकि क्लास 9th में 2 चैप्टर और है, चैप्टर ग्रेविटेशन और चैप्टर साउंड, लेकिन वो दोनों आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और इतनी बारीकी कोई नहीं बताए ना तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना? चलो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना? चलो, हाँ, हिंदी में भी डालेंगे इसका, फिलहाल इंग्लिश वाले देखे कैसे करना है, और हिंदी में तो बोल ही रहा हूं, सुन सकते हैं उसमें। सबसे पहले एक टर्म आती है फोर्स, किसे कहते हैं? देखो, किसी भी चीज को या कोई भी धक्का, पुश और पुल, मतलब अपने से दूर, पाल नहीं है पुल है, पीयू, अपने से दूर फेंकना या अपनी तरफ खींचना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। अब अगर आप किसी भी चीज को फोर्स लगाते हो, मान लो आप जिस टेबल पे या जिस चेयर पे बैठे हो, आप उस टेबल को ही फोर्स लगाते हो, तो टेबल अपनी जगह शिफ्ट करेगा, इधर से उधर मूव कर सकता है, लेकिन क्या टेबल का शेप चेंज होगा? नहीं। अगर वहीं आप फोर्स किस में लगाते हो? आटे में। एक आटा गूंद रखा है या ऐसा कोई सी भी चीज जो सॉफ्ट हो, रुई ले लो, कॉटन ले लो, कुछ और भी ले सकते हो, पानी की बॉटल ले लो, अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे, तो होगा क्या? जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये अपनी शेप चेंज करेगा, ठीक है ना? ये अपनी शेप चेंज करेगा। तो फोर्स से जरूरी नहीं है कि वो मोशन ही करे, हो सकता है उसकी शेप चेंज हो और हो सकता है कुछ भी ना हो। समझ आ रहा है? जैसे आप एक बहुत बड़े पहाड़ को धक्का लगा रहे हो, क्या आप इसे खिसका दोगे? नहीं। क्या आप इसकी शेप चेंज कर दोगे? नहीं। लेकिन फिर भी तो फोर्स लग रहा है ना, तो बस ये समझना है, ठीक है? अब मैंने क्या कहा था, हर किसी की अपनी यूनिट होती है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन जी ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था, ठीक है? ये एग्जाम्पल दे रहा है, पुश किसे कहते हैं, पुल किसे कहते हैं, ठीक है ना? ये सब आपको पता होना चाहिए। अब अगर देखा जाए तो फोर्स के 2 टाइप होते हैं, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं समझते हैं? ऐसा कोई सा भी फोर्स जिसमें नेट फोर्स 0 हो, उसे बैलेंस फोर्स। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है? मान लो इस अलमीरा को ही मान लो, या जो भी है ड्रॉअर, इसे ही मान लो। आपने इधर को फोर्स लगाया 4 न्यूटन का और मैंने इधर को फोर्स लगाया 4 न्यूटन का। न्यूटन फोर्स की यूनिट है। अब ये दोनों फोर्स आपको क्या दिख रहे हैं? बराबर। ये दोनों फोर्स आपको क्या दिख रहे हैं? बराबर। तो होगा क्या, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा, ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो
तो इसी तरह के फोर्स को कहते हैं बैलेंस फोर्स। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अब एक और बात समझना, जैसे कि आप चेयर पे बैठे हो, जैसे कि आप चेयर पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, तो चेयर पे अगर आप बैठे हो तो आपका बॉडी वेट किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। आपका बॉडी वेट किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। और चेयर आपको रिएक्शन किस तरफ दे रही है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। चेयर आपको रिएक्शन किस तरफ दे रही है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। जिसके वजह से आपका, आप ना तो नीचे की तरफ जा रहे हो ना ही चेयर ऊपर की तरफ धकेल पा रही है, यानी कि आपका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स। तो अभी शुरुआती दौर में कई बच्चे ये जज कर लेते हैं कि बैलेंस फोर्स वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। बैलेंस फोर्स होते हुए भी, बैलेंस फोर्स होते हुए भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। और ये बात ना जो मैंने अभी कही, क्या कि बैलेंस फोर्स होते हुए भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, ये आधों को तो समझ नहीं आएगी, ठीक है ना? और आधों को तो पता ही नहीं चलता, और वो चाहे एग्जाम क्वालिफाई कर ले या कुछ कर ले, ये लाइन का मतलब नहीं पता होता। तो चलो बता देते हैं अभी, हालांकि मुझे चैप्टर में आगे समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी समझाता हूं। आगे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे एफ इक्वल टू एम ए, अभी जिसको पता है वो समझ ले, बाद में भी समझाऊंगा। अगर ए की वैल्यू देखा जाए, अगर फोर्स जीरो हो जाए, नेट फोर्स क्या हो? जीरो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो कब होता है? बैलेंस फोर्स में। तो जीरो बराबर एम ए, ए बराबर जीरो, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो दो कंडीशन में होता है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, बस यही दूसरी कंडीशन है बैलेंस फोर्स की, जो कि बहुत कम पता होती है। अब जिसने भी ये पहली बार पढ़ा है और जिसको लगा कि वाव इन्होंने देखो कितनी डेप्थ वाली बात बताई है, वो तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना? तो बैलेंस फोर्स दो कंडीशन में होता है, बैलेंस फोर्स की दो कंडीशन है। यही कंसेप्ट आईआईटी जेईई फाउंडेशन के लिए पढ़ाए थे हम, ठीक है ना? पहली कंडीशन कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, दूसरी कंडीशन, ये सब नोट्स बनाते रहना आप, कभी देखते रहो भूलते रहो, दूसरी कंडीशन कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट क्या करे? कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। हालांकि जिसने अभी ये टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा उसे एफ इक्वल टू एम ए वाला उसे पढ़ाऊंगा आगे, दो टेंशन न ले, मैं आया इसीलिए हूं कि आपको सब कुछ बताया जाए, आपको सब कुछ बताया जाए, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना? चलो, अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? जिसमें नेट फोर्स जीरो ना हो। जैसे मान लो आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हो 4 न्यूटन, इस तरफ फोर्स लगा रहे 3 न्यूटन, सुनते रहे ना, आपको भी समझ आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अब इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स क्या है? बड़ा। और कितने न्यूटन से मूव करेगा? 1 न्यूटन से। कितने न्यूटन से मूव करेगा? 1 न्यूटन से। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। क्यों? क्योंकि ये जिसके वजह से हुआ है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उन सबका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। जैसे मैं क्या और एग्जांपल करता हूं, मान लो यहां पे 4 न्यूटन, यहां पे भी है 4 न्यूटन, इधर को भी लग रहा है 4 न्यूटन, इधर को भी लग रहा है 4 न्यूटन, तो इसमें नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि ये वाला इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला इसको, तो ये क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स। और वहीं अगर मैं इस तरीके से करता, ये है 4 न्यूटन, ये है 4 न्यूटन, ये है 3 न्यूटन और ये है 4 न्यूटन, तो ये इसको कैंसिल करता, लेकिन ये वाला फोर्स इससे ज्यादा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होता 1 न्यूटन, तो ये पूरा का पूरा फोर्स किस में आ जाता? अनबैलेंस। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर एक्स वाला तो बैलेंस था, वाई वाला अनबैलेंस था, ऐसे नहीं कहा जाता। इस पूरे की पूरी कैटेगरी को क्या कहा जाता है? अनबैलेंस फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनबैलेंस फोर्स। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? चलो पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा एक एक लाइन, ठीक है ना? फोर्स के 2 टाइप और होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स,
एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कभी कभी हमने देखा है कि क्वेश्चन सिंपली इन्हीं से आ जाता है, क्वेश्चन सिंपली इन्हीं से आ जाता है और बच्चा खामखा घबरा जाता है। कॉन्टैक्ट मतलब छूना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जो छू के लगते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट जो छू के नहीं लगते, बिना छुए लग जाते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल तो सिंपल है, आपने टेबल को धक्का दिया, चेयर को धक्का दिया, मुझे धक्का दिया, किसी को धक्का दिया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट किसी लोहे को अपनी तरफ खींचती है ना, तो अगर उससे मैग्नेट ये रहा और आयरन पार्टिकल ये रहा, ये इतनी दूर से ही खींच लेती है, जबकि इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। समझ आया? ये सब बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स को पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेना मजा आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या इनर्शिया। इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया, इसे हिंदी में कहते हैं जड़त्व। मेरा 10th तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद मास्टर्स तक मैंने हिंदी मीडियम नहीं पढ़ा, हिंदी ही नहीं पढ़ी, ठीक है ना, जड़त्व। तो बस मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लैंग्वेज बस आपकी सोच है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। जड़त्व क्या होता है? मैं जड़त्व को जब भी पढ़ाता हूं तो भाई एक ही चीज कहता हूं और आपको जिंदगी भर याद रहेगी। जैसे हम लोग जब छोटे थे या अभी भी, हम अगर अपनी मम्मी से कुछ पूछे कि वो चीज कहां रखी है, मानो मैंने पूछा मम्मी मेरी बाइक की चाबी कहां रखी है, तो पता है वो क्या कहती है? वो कहती है वही होगी जहां रखी है, मतलब वही होगी जहां आपने रखी थी। एक्चुअल में तो ये गोली देना है, ठीक है ना, गोली देना मतलब उन्हें भी नहीं पता कहां है वो, क्यों बवाल पाले, लेकिन अनजाने में उन्होंने इनर्शिया बता दिया, अनजाने में उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया बता दिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट कैनॉट चेंज इट्स cannot change its state of motion, state of rest or state of direction itself। समझना है, याद नहीं करना, नाइन्थ क्लास में थोड़ा ना हो जो याद करना है। आप सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। तो इनर्शिया ने ये कह दिया भाई कि कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर आपका मोबाइल सामने रखा है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, या कोई भी चीज रखी है, वो चीज अपने आप कभी मूव नहीं कर सकती, और अगर मूव कर रही है तो कभी रुक नहीं सकती अपने आप। ये मूव कर रही है तो रुक नहीं सकती अपने आप, इसको अवॉइड करेंगे अभी, और अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। और इसे भी हाफ में जड़त्व जिसे कहते हैं, और मम्मी भी तो इसीलिए कह रही है चाबी वहीं थी जहां रखी होगी, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है चाबी अपने आप मूव नहीं कर सकती, मूव तो किसी ने कराई होगी। कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हिंदी में विराम अवस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व वही है। विराम अवस्था का जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, अपने आप चल नहीं सकता। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो वो अपने आप चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकता, अपने आप चेंज नहीं कर सकता। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो गुड, अब आगे देखो। अब अगर समझा जाए अभी हमने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है और कोई फोर्स ना लगे तो वो चलता ही रहेगा, यही कहा इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन अगर आप फर्श पे कोई बॉल फेंकते हो
तो कुछ देर बाद जाके वो बॉल रुक जाती है, जबकि आप रोको ना तब भी रुक जाती है। तो कई लोगों ने इनर्शिया ऑफ मोशन को कहा कि ये इनर्शिया ऑफ मोशन को इनवैलिड शो कर रही है, लेकिन साइंटिस्टों ने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया और वही एक्सप्लेनेशन है कि भाई जब भी दो सतह आपस में टच होती हैं, रगड़ती हैं, तो उसमें एक फोर्स लगता है जिस फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसे कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल, और घर्षण बल हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दैट मींस जिस तरफ भी ऑब्जेक्ट जा रहा होगा, ये याद रखना हमेशा के लिए, बहुत मजेदार है, जिस तरफ भी ऑब्जेक्ट जा रहा होगा घर्षण बल उसके हमेशा अपोजिट लगेगा, चाहे किधर भी जा रहा हो। तो ये बॉल किस तरफ जा रही है? आगे की तरफ। तो घर्षण बल इसको किस तरफ रोकेगा? पीछे की तरफ। और ये घर्षण बल धीरे धीरे इसकी वेग को, वेलोसिटी को कम करेगा और एक समय बाद रुक जाएगा। यानी कि इससे बात क्लियर होती है बिल्कुल, अगर कहीं पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, अगर कहीं पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है और कोई रोकने वाला भी नहीं है, अगर कहीं पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं है और कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट अनंत काल तक घूमता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जैसे कि स्पेस में। आपको क्या लगता है, सपोज ये अर्थ है, यहां सैटेलाइट लॉन्च कर दी जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रही है, आपको क्या लगता है चक्कर लगाने के लिए भी इसको फ्यूल लगता है क्या? नहीं, ये अपने आप चक्कर लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ये रुक क्यों नहीं रही अपने आप? क्योंकि यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मजेदार, ठीक है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ लेना, जो हमने कहा वही है, ठीक है ना? ये डायग्राम क्या कह रहा है? कह रहा है इतनी ऊंचाई से फेंकोगे, अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो इतनी ही ऊंचाई पे जाके रुकेगी, लॉ ऑफ इनर्शिया। और आपको हेडिंग दे दूं, न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन के नियम में जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ, वो न्यूटन से कई सौ साल पहले गैलीलियो दे चुके थे, और उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन बात वही है कि कुछ कमियां थी या फिर वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो न्यूटन का लॉ ज्यादा वेल नोन है, ठीक है ना? अच्छा, इनर्शिया से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं थोड़ा सा नजरें डाल देता हूं। मान लो वो तो सबने देखा ना, यूट्यूब पे तो आजकल देखे ही जा रहे हैं, पढ़ाई तो चलो जो है अनसर्ट भी देखे जा रहे हैं। ये गत्ता रखा है, गत्ते के ऊपर एक कॉइन रखा है। जब हम गत्ते को फोर्स मारते हैं, तेज की उंगली से मारो, किसी से मारो, तो होता क्या है, ये कॉइन गत्ते के साथ ना जाके नीचे गिर जाता है। इसे इनर्शिया से एक्सप्लेन करा जा सकता है। कैसे? कि जब तक आपने इस गत्ते को फोर्स नहीं दिया, तो ये कार्ड भी रेस्ट में था और कॉइन भी रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही आपने इसको फोर्स दिया, तो फोर्स किसको दिया आपने? कार्ड को। फोर्स किसको दिया आपने? कार्ड को। तो ये कार्ड अपनी जगह से मूव कर जाएगा, और कॉइन तो कार्ड से चिपका नहीं है, और कॉइन पहले किसमें था? रेस्ट में। कॉइन पहले किसमें था? रेस्ट में। तो रेस्ट में था, तो कौन सा इनर्शिया था इसके पास? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं विराम अवस्था का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं विराम अवस्था का जड़त्व। आप सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहती है कि जब तक इसको फोर्स नहीं लगेगा, जब तक कॉइन को फोर्स नहीं लगेगा, कॉइन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। जब तक कॉइन को फोर्स नहीं लगेगा, कॉइन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। तो इसीलिए कॉइन वही रुकने की कोशिश करता है, और टॉम एंड जेरी की तरह कार्डबोर्ड आगे से चला जाता है, और वो फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ऐसे लाखों एग्जाम्पल, अगर मुझे एक एग्जाम्पल के आप 10 रुपए दो ना, तो मैं अभी लखपति बन सकता हूं, 1,00,000 रुपए तो अभी कमा सकता हूं, ठीक है ना? ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है, अनगिनत। बस आपको थोड़ा सा, जैसे पेड़ में, मान लो, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, पेड़ में मान लो ये फल लगा है, जब आप पेड़ को हिलाते हो तो फल नीचे क्यों गिर जाता है? एक्चुअल में क्या हुआ, पेड़ और फल के बीच में टहनी होती है, मतलब टहनी या क्या, जो भी थोड़ी सी डंडी सी होती है, जब आपने फोर्स दिया, अच्छा, फोर्स देने से पहले पेड़ भी रेस्ट में था, फल भी रेस्ट में था। जब आपने इसे फोर्स दिया तो हुआ क्या, जैसे ही आपने इसे फोर्स दिया, तो हमारा पेड़ मोशन में आ गया,
हमारा पेड़ मोशन में आ गया। अब पेड़ से कौन कनेक्ट है? फल। लेकिन इस छोटी सी डंडिया जो भी है इसके थ्रू, अगर ये चीज टाइटली कनेक्ट होता, जैसे पेड़ से टहनियां कनेक्ट होती हैं, तो पेड़ हिलता तो टहनी भी हिलती। लेकिन फल किसमें था? रेस्ट में। तो रेस्ट में होता है तो क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विरामावस्था का जड़त्व। और विरामावस्था का जड़त्व क्या कहता है प्यारे बच्चों? कि कोई वस्तु रुकी है, कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि कोई उसे रोके ना या चलाए ना। तो ये फल जो रेस्ट में था, ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा और पेड़ हिलने की कोशिश करेगा, और पेड़ के हिलने में और फल के रेस्ट रहने में ये जो जॉइंट होगा यहां से ब्रेक हो जाएगा और फल नीचे गिर जाएगा। ऐसी कारपेट वाला भी होता है, कारपेट में डस्ट पार्टिकल है, जब आप कारपेट को हिट करते हो डंडे से तो क्या होता है? देखो, डस्ट पार्टिकल कारपेट पे रेस्ट पे और कारपेट भी रेस्ट पे, कारपेट भी रेस्ट में और डस्ट पार्टिकल भी रेस्ट में। जब आपने इसे डंडे से हिट किया तो कारपेट तो आ गया मोशन में, कारपेट तो आ गया मोशन में। अब कारपेट के साथ डस्ट पार्टिकल चिपके तो नहीं थे? चिपके मतलब फेविकॉल या फेविग्लू किसी से, किसी चीज से चिपकाए तो नहीं थे, वो बस उसके ऊपर टिके हुए थे। टिके हुए मतलब रुके हुए थे। अब सुनते रहना हम क्या कह रहे हैं। डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर रुके हुए थे, ठीक है ना, लेकिन हमने मोशन किसको दे दिया? कारपेट को। और मोशन कारपेट को मिला, डस्ट पार्टिकल को तो मिला नहीं है। तो डस्ट पार्टिकल अभी भी रहने की कोशिश करेगा किस पे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, जिसके वजह से कारपेट पीछे की तरफ मूव कर जाएगा और डस्ट पार्टिकल वहीं रुक जाएंगे। अब उनका जो सपोर्ट था वो तो बैकवर्ड मूव कर गया, इसीलिए सारे के सारे डस्ट पार्टिकल कहां चले जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। ऐसे आपने देखा होगा, बस में आप बैठे हो, बस में आप बैठे हो, खड़े हो, कैसे हो? लेटते तो है नहीं, बैठे हो, खड़े हो, ठीक है ना। अब बस में आप खड़े हो, बस एकदम स्टार्ट हुई, आपने चाहे कोई चीज पकड़ रखी हो ना पकड़ रखी हो, ठीक है ना, आपको जैसे ही बस स्टार्ट होती है आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, क्यों? इसका रीजन भी सिंपल है, पहले बस किसमें थी? रेस्ट में, और आप भी किसमें हो? रेस्ट में। जैसे ही बस मोशन में आएगी तो हमारी बॉडी पहले रेस्ट में थी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारा पैर बस से टच होगा और हाथ बस से टच होगा, मतलब ये दोनों हिस्से बस के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी बॉडी लचीली है ना, ऐसा तो नहीं डंडे की तरह टाइट है कि डंडे का एक हिस्सा चिपका दिया कहीं पे तो ऊपर वाला हिस्सा जाएगा तो वो भी अपने आप जाएगा। तो बॉडी रुकने की कोशिश करेगी, बस आगे जाने की कोशिश करेगी, बस के साथ हाथ और पैर आगे जाने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से बॉडी पीछे रुकने की कोशिश करेगी, हमारे हाथ और पैर आगे जाने की कोशिश करेंगे और हमें पीछे की तरफ झटका लगता है। इसी तरीके से आपने कभी देखा, जब हम स्कूल टाइम पे एक कहानी बताते हैं, तो बस से ना चलती बस से उतरना पड़ता था, क्योंकि पता नहीं क्या चक्कर था, हमने कभी सोचा ही नहीं। अब बड़े हो गए, अब सोचते हैं कि बस वाला कभी मिले तो बोले भाई ऐसा क्यों करते थे, बच्चों की भी कभी तो चलती बस से उतरते थे। तो जब मैं पहली बार गवर्नमेंट स्कूल में गया तो बस से बिल्कुल ठीक सामने कूदा और मैं गिर गया, फिर मुझे पता चला कि चलती बस से भागते हुए कूदते और बस की डायरेक्शन में, ऐसा क्यों? अब तो मुझे पता है, उस समय नहीं पता था, क्योंकि बस इस तरफ जा रही है और आप बस के अंदर हो, तो बस किसमें? मोशन में। आपकी पूरी बॉडी भी इस समय किसमें? मोशन में। अब जैसे ही आप बस से नीचे कूदोगे, आपकी बॉडी अभी भी मोशन में ही है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, लेकिन अगर आप भागते नहीं और कूद के सीधा जंप करते हो तो आपके पैर किसमें आ जाएंगे? रेस्ट में। आपके पैर किसमें आ जाएंगे? रेस्ट में, लेकिन बॉडी अभी भी किसमें? मोशन में, और आप आगे की तरफ कलामंडी खा के गिर जाओगे। इसीलिए हमें भागते हुए कूदना पड़ता है और बॉडी को धीरे धीरे रेस्ट में लाना पड़ता है। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत हो सकते हैं, ये सारे एनसीईआरटी में बखूबी लिखे हैं, आपको पढ़ने हैं, मजा लेना है और सीखना है। कैरम वाला भी बता रहा, देखो जब हम इस गोटी पे मारते नीचे वाली पे तो यही निकलती है, ऊपर वाली नहीं निकलते, क्यों? क्योंकि पहले तो सारे रेस्ट में थे,
लेकिन आपने मोशन किसको दिया, नीचे वाले को, और ऊपर वाले अभी भी किसमें, रेस्ट में। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेंगे और वो ओके। अगला आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एनी ऑब्जेक्ट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट और डायरेक्शन इटसेल्फ अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई उस पर बाहर से फोर्स ना लगाए। और यही क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया था। इसीलिए इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। यह भी एमसीक्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन। अब याद रखना इनर्शिया जो है, इनर्शिया ये तो समझ आ गया कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? कब तक? जब तक कि कोई इस पे बाहरी बल ना लगाया जाए। जब तक कि कोई इस पे बाहरी बल ना लगाया जाए, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, इनर्शिया होता है। लेकिन ये जो इनर्शिया होता है ना, ये प्योरली डिपेंड करता है मास पे। मतलब जड़त्व जो होता है, जड़त्व द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। जड़त्व किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान पे। क्यों? एक एग्जांपल सेट करता हूं। एक साइकिल खड़ी है, एक ट्रक खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, बिल्कुल एकांत में, शांत, उदास। आपने पीछे से धक्का दिया किसको? साइकिल को। और आपने पीछे से धक्का दिया किसको? ट्रक को। कौन मूव कर जाएगा? ट्रक, है ना। साइकिल मूव कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया कम था, इसे मूव कराना आसान था। और वो क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम था। क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मोर इनर्शिया है। अब याद रखना, मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया। रबड़ बॉल और स्टोन बॉल, तो आंसर आ गया स्टोन बॉल। अब बाइसाइकिल और ट्रेन, ट्रेन। अब 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन। अब उसने 1 और 2 रुपए वाला कॉइन क्यों यूज किया? क्योंकि आजकल उनमें कंफ्यूजन बहुत है भाई, 1 का 2 का समझ ही नहीं आता। कई बार तो हमसे भी 2 का चला गया 1 की जगह, ठीक है ना। और कई बार आ भी गया 2 का 1 की जगह, तब तो हम बहुत खुश है, ठीक है। इंसान का नेचर यही है भाई। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंजेस, कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई है। पहला, एक फुटबॉलर ने किक किया, इस वाले ने किक द टुवर्ड द गोल, गोल की तरफ फेंका बॉल को। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द बॉल, इसने बॉल को पकड़ लिया एंड किक इट टुवर्ड अ प्लेयर, और इसने अपने प्लेयर की तरफ फेंक दी। क्वेश्चन ये है कि कितनी बार वेलोसिटी चेंज हुई। तो दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, इतनी मुश्किल है ही नहीं जितनी आप समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं एक नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा, जिसे साइंस का एस भी ना पता हो, वो बस समझने की कोशिश करे, और जो ना आए वो पूछने की कोशिश करे। समझाना मेरा काम है। एक बार तो यहां वेलोसिटी चेंज हुई होगी, क्योंकि बॉल को जब लात मारेंगे वेलोसिटी चेंज होगी। एक बार यहां चेंज हुई होगी,
वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो, अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए, जैसे फुटबॉल अगर देखा, इमेजिन करो आपने फुटबॉल फेंकी किसी दोस्त के पास पैर से, जब वो दोस्त फुटबॉल को डायरेक्टली हिट करता है तो वेलोसिटी चेंज हुई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो करता है अपने पास बॉल को थोड़ा सा स्लो करता है फिर हिट करता है, लेकिन यहां इतना फुटबॉल नहीं खिला रहा ये, ठीक है। एक बार, दो बार और इसने तीन बार, एक दो चार बार, सॉरी देखो कैसे, एक बार इसने मारा, एक बार इसने मारा, दो बार, फिर इसने कैच करी यार, सॉरी रोकी, तब भी तो चेंज हुई, तीन, फिर इसने थ्रो की, चार। कॉन्ट्रोवर्सियल क्वेश्चन है भाया, ठीक। आगे एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीफ, पत्तियां क्यों गिर जाती है पेड़ हिलाने में, ये समझा दिया मैंने। व्हाई डू वी फॉल फॉर, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पता क्या होता है, कॉपी पेस्ट ना हर जगह चलता ही नहीं है, मार खाता ही खाता है, लेकिन ये बात कब समझ आती है, जब आप या हम थोड़े मेच्योर हो जाते हैं। अब जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है बिल्कुल बैक टू बैक, वो यहां गिर जाएगा, कैसे गिर जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझाने से पहले मोमेंटम समझाना बहुत जरूरी है, कागज पे लिखवा लो जहां कहोगे वहां, लेकिन किताब ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बाद मोमेंटम दिया है, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, यही चीज बस, एक ये जो थोड़े थोड़े पॉइंट है ना यही डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन मेहनत करके आगे बढ़ रहा है और कौन कॉपी पेस्ट करके बढ़ रहा है, और यहां नहीं हर जगह है पूरे पढ़ाई में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे मोमेंटम, MOMENTUM, और हिंदी में कहते हैं संवेग, सिंबल होता है P। अब देखो मान लो एक पत्थर है या ईट है, इसका कुछ तो मास हो गई, मैं इसको आपको फेंक के मारूंगा तो आपको चोट लगेगी, मैं और तेज की फेंक के मारूंगा तो और चोट लगेगी, मान लो ये बंदूक की गोली है, मैं इसे हाथ से आपको फेंकूंगा, क्या ये आपको घायल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो साइंटिस्टों ने या फिर जिन्होंने भी फिजिक्स पढ़े उन्होंने एक चीज देखी कि भाई ऑब्जेक्ट की ना जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर एक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, और उस एनर्जी से काम हो सकता है ना, बंदूक से काम हो सकता है, हथौड़े को खींच के मारो तो कील पे काम हो सकता है, तो उसको डिफाइन करना तो जरूरी बन गया, उसको नाम दे दिया संवेग। लेकिन अब इसको डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके बन गए, और कौन सा आप देखोगे ये आपको नजरिया है, जैसे मैं कहूं आपके चीज चेयर पे आप बैठे हो उसकी मजबूती कितनी है, आप कहोगे सर इसकी मजबूती इतनी है कि मेरा वजन सह लेती है, मैं कहूंगा ठीक है। अब मैं कहूंगा ऐसे भी तो कह सकता हूं कि इसकी मजबूती आपके वजन तक की है बस, समझ आ रहा है, यानी कि वजन आपका अगर 50 है तो मैं कहूंगा इसकी मजबूती 51 नहीं है, इसकी मजबूती 51 नहीं है। तो ऐसी मोमेंटम को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, पहला पहले डेफिनेशन बता देता हूं, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो पी का फॉर्मूला हो गया मास गुणा वेलोसिटी, पी इक्वल टू एमवी। एसआई यूनिट की बात करें तो मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर सेकंड माइनस वन, ये भी कई बार पूछी गई है सीटेट में, तो यही पूछा जाता है। आगे अब इसको डिफाइन करने के दो तरीके, पहला तो ये कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी वेलोसिटी से आपको हिट करता है तो कितनी चोट देगा, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, कितनी चोट देगा दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। और इसे इन उल्टा भी तो कह सकता हूं मैं कि अगर भाई कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है और मैं उसे रोकना चाहता हूं तो मेरे को जितना फोर्स लगेगा रोकने में दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंटम, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, वो भी तो मोमेंटम ही होगा। तो बस यही अंतर है,
दोनों सिनेरियो सेम है, समझने की कोशिश करना। बस यहां से कुछ पॉइंट में बता देता हूं मोमेंटम के, वो आप दिमाग में बना लेना और ये सब नोट्स में लिख लेना। पहला कि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अगर वेलोसिटी को आप डबल करोगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा, और अगर वेलोसिटी को हाफ करोगे तो मोमेंटम भी हाफ हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब इसके साथ एक और चीज सुनो, जो ये मोमेंटम होता है ना, जो ये मोमेंटम होता है पी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये बल्ज जो मैं एक साथ करा रहा हूं ना, ओहो जो मैं एक साथ करा रहा हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आपको ये बात समझ आ जाएगी आज नहीं कल। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है और क्या होती है, ये मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि हर वीडियो में बताऊंगा तो पता चला मैं सपने में भी वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा हूं। क्यों है ये बता देता हूं, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए मास भी क्या होगा, वेक्टर। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बस आपको यही चीज समझनी थी कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी में, वेलोसिटी वेक्टर है ना, और मास क्या है, स्केलर, मास क्या है, स्केलर, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर का मल्टीप्लीकेशन होगा, देन वी विल ऑलवेज गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये भी तो एक एमसीक्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्केलर गुणा वेक्टर क्या आएगा, चार ऑप्शन होंगे, वेक्टर, स्केलर, स्केलर वेक्टर, वेक्टर स्केलर, तो आंसर आएगा वेक्टर। स्केलर गुणा स्केलर, स्केलर। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये भी सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, और ये सब ना पारखी की नजरों से निकालना पड़ता है, किताब में थोड़ा डायरेक्टली लिखा है, पर यही मैं कह रहा हूं, एक बेस्ट टीचर, एक अच्छा टीचर जरूरी है। मोमेंटम इतना क्लियर हुआ आप सबको? क्लियर है। मोमेंटम का थोड़ा और कहानी बनाता हूं और आपको मजा जरूर आएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। जैसे मान लो, सुनते रहे ना, आप कार चला रहे हो, ठीक है ना, कार चलाते चलाते विंडशील्ड कहते हैं आगे वाले शीशे को, मुझे भी बहुत समय बाद पता चला था, घबराने वाले कोई चक्कर नहीं है। विंडशील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हवा से बचाता है, विंडशील्ड। आगे वाला शीशा, ये कार है, बचपन में कार बनाने का बहुत शौक था मुझे, असली नहीं ये वाली, इसके विंडशील्ड से एक बेचारा कीड़ा टकरा गया, कबूतर टकरा गया, चिड़िया टकरा गई, कीड़ा टकरा गई मधुमक्खी, आपको पता है उसकी चटनी बन जाती है बेचारे की। हालांकि अगर देखा जाए तो आप भी उसे टकराए और वो भी आपको टकराया, कीड़ा भी आपको टकराया और आप भी कीड़े को टकराए, लेकिन नुकसान कीड़े को ही हुआ, ये तो नाइंसाफी है ना, ये तो नाइंसाफी है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए भाई। क्यों? कि भाई हमें ही नुकसान हो रहा, उन्हें नुकसान नहीं हो रहा। अब इसका लॉजिकल तर्क सुन लो, आपका एक मास होगा और आपकी एक वेलोसिटी होगी। भैया कार मेरे पास नहीं है, मुझे कार का इतना आइडिया नहीं है, बाइक का तो है। कार का मास कम से कम 1000 किलोग्राम तो होता होगा, कितनी वेलोसिटी से चला रहे थे आप? हो नाइट्रो रेसर, तो मान लो 100 की स्पीड से चला रहे थे, तो आपका मोमेंटम हो गया 1000, 10000, 1 लाख। अब कीड़ा बेचारा, बुद्धि सा कीड़ा, कीड़े का कितना मास हो जाएगा? 1 किलोग्राम का कीड़ा तो नहीं देखा ना किसी ने उड़ता हुआ, ठीक है। नहीं, कीड़े का ग्राम मान लो 100 ग्राम मान लो बेचारे का, बहुत कह दिया, 100 ग्राम का तो पनीर हो जाएगा, ठीक है। उसकी वेलोसिटी मान ली मैंने कितनी, वो मान लो, वो भी नाइट्रो रेसर है, ग्राम को किलोग्राम में करोगे क्योंकि इंडिया में चलता है MKS, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, तो ये जाएगा 0.1, गुणा करोगे तो 10, यानी कि आपका जो फोर्स उसे लग रहा है वो लग रहा है 1 लाख का। वो केड़ा कह रहा हूं, कीड़ा बेचारा 10 का फोर्स लेके आ रहा है, तो आपका उसका 10 तो आपके 1 लाख के बरा सामने कुछ भी नहीं है, तो उसका 10 माइनस हो जाएगा, बचा कितना, 9,99,990। इतना फोर्स आप उस बेचारे नन्हे से कीड़े को दे दोगे और वो कीड़ा चटनी बन जाएगा। समझ आया? इसीलिए जब हेड ऑन कोलिजन होता है, एक भारी गाड़ी एक पतली गाड़ी,
मानो एक हो गई रेंज रोवर, लड़कियों को समझ नहीं आ रहा होगा शायद ये बातें, लड़कों को तो प्यार है रेंज रोवर से, हर लड़का चाहता है एक रेंज रोवर ले और चलाए, ठीक है, रेंज रोवर और एक तरफ है बेचारी ऑल्टो। ऑल्टो भी रानी है, बहुत सुंदर गाड़ी है, लेकिन रेंज रोवर के सामने नहीं। दोनों का हेड ऑन कुलिजन कराओ तो क्या होगा, ऑल्टो का कवाड़ा बन जाएगा। ये यही कहानी है मोमेंटम की, ठीक है ना। चलो अब आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। जिसने मोमेंटम इतना पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता जिंदगी में उसे मोमेंटम में दिक्कत होगी, मोमेंटम मतलब संवेग में। लेकिन होगा क्या, जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ोगे नहीं, अनसंड बातें करोगे और सोचोगे कि कौन भगवान है जो हमें जिता दे। न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअल में क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं। इट स्टेट्स दैट, कोई ये ना सोचे यहां से लिख रहा हूं, इट स्टेट्स दैट रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली छोड़ो, इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। मैं कह रहा हूं, मैं ये ओपन चैलेंज दे सकता हूं, अगर आपने 10 वीडियो देखी होगी तो 10 में से दो ही टीचर होंगे जो इसको प्रैक्टिकल फील दे पाएंगे। मैं दे देता हूं प्रैक्टिकल फील, देखो। देखो समझना, मान लो आपकी कार है जिसका मास है 10 और उसकी वेलोसिटी है 10, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। कहीं ना 20 कह देते हैं मोमेंटम, इतना मत गिरना भाई, ठीक है ना। अब आपने इसे फोर्स लगाया पीछे से, क्या लगाया, फोर्स। मान लो आपने धक्का दिया कार को या पीछे से ट्रक ठोक दिया, कुछ भी कर दिया, तो अब मुझे बताओ कार का मास चेंज होगा क्या, नहीं, लेकिन इसकी वेलोसिटी जरूर चेंज होगी, आगे से धक्का मारोगे तो कम होगी, है ना। तो वेलोसिटी मान ले उसकी 20 हो गई, 30 मान लो, तो मोमेंटम अब कितना हो गया, 300। तो पहले मोमेंटम था बच्चों 100, अब मोमेंटम हो गया 300, तो ये कितने का मोमेंटम चेंज हो गया, 200 का। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि ये जो चेंज हुआ है ना, ये इस फोर्स के वजह से हुआ है और किसी की वजह से नहीं हुआ। और प्रैक्टिकलिटी भी यही है, प्रैक्टिकलिटी भी यही है कि बस इसी के वजह से चेंज हुआ है, वरना वो चेंज होता ही नहीं। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं भाई, यही है न्यूटन सेकंड लॉ। और इसको फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर दूं तो एफ फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी, इसे कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन डीटी मतलब टाइम, क्योंकि टाइम तो हर समय चेंज हो रहा है, टाइम तो हर समय चेंज हो रहा है। अगर आप मेरी वीडियो 10 मिनट भी देख रहे हो तो 10 मिनट चेंज हुआ ही हुआ है, 10 मिनट पॉज थोड़ा हुए, वो बड़े ही बड़े हैं, कोई रोक ही नहीं सकता उसे, ठीक है ना। लेकिन अब डिलेमा ये आता है, ड्रॉबैक ये आता है कि हमने एफ का फॉर्मूला एमए पढ़ा है, हमने एफ का फॉर्मूला एमए पढ़ा है और कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने एफ इक्वल टू एम ए पढ़ रखा है। चलो ये भी अच्छी बात है, अगर हमने एफ इक्वल टू एम ए पढ़ रखा है तो ये क्या पढ़ा रहा है भाई साहब, तो आ जाओ चलो बता दें, जगह चाहिए मुझे। एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, पी का फॉर्मूला एम वी, एफ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वी, तो एफ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ये किसके इक्वल हो गया, एक्सेलरेशन, तो एफ इक्वल टू एम ए आंसर। तो हालांकि हम इस्तेमाल एफ इक्वल टू एम ए कर रहे हैं हर जगह, देखो ये अंतर है, कहां से कहां चले यही सीखना है बस, हम इस्तेमाल एफ इक्वल टू एम ए कर रहे हैं, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ होता है एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी, इसको मत भूलना, ठीक है ना। चलो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं।
आपके पास मोशन के और लॉज ऑफ मोशन के, इसी के न्यूमेरिकल आएंगे फिजिक्स में, केवीएस पीआरटी में। तो अब इन जब आपको पता ही कि कंफर्मेशन से आएगा फिर भी आप तैयारी नहीं करोगे तो क्या फायदा। चलो, उन्होंने कहा एक ऑब्जेक्ट का मास 5 है, उसका टाइम 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, फाइनल वेलोसिटी 7 थी, फोर्स बताओ। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, एम ए, ए का फॉर्मूला वी माइनस यू बाई टी, एम की जगह 5। अगर किसी को ये फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो थोड़ा होल्ड कर ले, इसके बाद मोशन चैप्टर का आएंगे तब क्लियर हो जाएगा। बस यही एक फॉर्मूला है जो मोशन से उठा रहा हूं मैं, वी की जगह 7, यू की जगह याद कर ले वरना तब भी करना ही पड़ेगा, टाइम की जगह 2, 5 गुणा 4 × 3 = 4/2 10 न्यूटन। तो फोर्स आ गया 10 न्यूटन। ये रहा। अब एक नया फॉर्मूला भी लगा रहा है दूसरे क्वेश्चन के लिए, हम नहीं लगाएंगे, मैं वही बता रहा हूं। देखो मैंने कहा था हर जगह कॉपी पेस्ट और मेहनत वाले में डिफरेंस दिखेगा। इसका जो सेकंड पार्ट है ना, आप यूट्यूब पे देख लो जितने देखना चाहते हो, सेकंड पार्ट हर कोई उस तरीके से करा रहा है जिस तरीके से वो फॉर्मूला लिखा है जो मैं छुपा रहा हूं अभी, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा भाई उससे, मैं बेसिक फॉर्मूले से कराऊंगा और देखना मजे से आएगा। और फिर ये भी बताऊंगा कि वो बेचारे कॉपी पेस्ट करने वाले ये ना देख पा रहे कि ये आया कहां से, ठीक है ना। चलो देखो, अब उन्होंने कहा नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन, मतलब फोर्स को यही रखो, टाइम को 5 सेकंड रखो। अब देखो उसकी वेलोसिटी 3 से 7 हुई थी ना, 3 से 7 हुई थी वेलोसिटी। अब वो आपसे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 3 इनिशियल तो 3 ही मान लो, फाइनल पूछ रहा है क्या होगी। तो एफ का फॉर्मूला एम ए, एफ की जगह 10, एम की जगह 5, ए क्या होता है वी माइनस यू बाय टी, की कितना है 5, 5 से 5 जाएगा, वी बराबर 13। पहले तो आंसर दिखा दे दो। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखो एफ का फॉर्मूला एम ए था, ए की जगह वी माइनस यू बाय टी, हमने यही वैल्यू रख दी। ये लोग कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में टी को उधर भेजो, एफ टी इक्वल टू एम वी माइनस यू, एम को भी उधर भेजो, एफ टी बाय एम इक्वल टू वी माइनस यू, वी इक्वल टू एफ टी बाय एम प्लस यू। और ये लोग याद भी करा रहे हैं अपने स्टूडेंट को कि बच्चों वी का फॉर्मूला ये है। तो ये सब चीजें समझे, इन सब जाल में ना फंसे। कंटेंट पसंद आ रहा तो बहुत सारा प्यार दिखाए, ये मोटिवेट करेगा, क्योंकि गला बैठ रहा है, थकान हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं करना चाहता हूं सिर्फ आप लोगों के लिए।